सुंदर डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 6 के मल्टीपल फांदे चाहिए और 4 फांदा एक्स्ट्रा चाहिए। तो चले स्टार्ट करती हूँ, कैसे बनता है देखती हूँ। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 6 के मल्टीपल फांदे ली हूँ और 4 फांदे एक्स्ट्रा, तो 20 फांदे डाली हूँ इसमें। तो चले स्टार्ट करती हूँ। पहला रो, फर्स्ट रो, राइट साइड, पहले एक स्किप कर लिया, चाहे स्लिप कर लीजिए स्किप कर लीजिए, और 1 2 3 3 फंदे सीधा बीन लिया। और ये देखिए, एक ये वाला फंदे में से हमने ऐसे एक फंदे लिया, लूप उठा लिया और सिलाई के ऊपर से धागा को ऐसे करके फिर और एक उसी फंदे में से और एक लूप निकाल लेना है, देखिए इस तरह। तो ये हमारा 3 फंदे बन गया। फिर ऐसे ही दोबारा ऐसे ही 1, फिर धागा को सिलाई के ऊपर से लेकर 2 हो गया और ये 3 फंदे हो गया, देखिए इस तरह। ऐसे ही हमें रिपीट करनी है बार बार, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधा बीन लिया और वही 2 फंदे में से देखिए 1 लूप उठा लिया इस फंदे में से, फिर धागा को सिलाई के ऊपर से लेकर उसी फंदे में से और एक लूप निकाल लिया, तो देखिए 3 फंदे बन गया। फिर वही रिपीट, 1 लूप निकाल लिया, सिलाई के ऊपर से धागा लेके उसी फंदे में से और एक लूप निकाल लिया, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधा बीन लिया, देखिए 1 2 और 3 लूप निकाल लिया और ये 3 फंदे सीधा बीन लेंगे, 1 2 और 3। अब बैक साइड सेकेंड रो, रॉन्ग साइड सेकेंड रो, ओके 1 स्लिप कर लिया धागा अपनी तरफ रख के, 1 2 उल्टा बीन लिया और ये जो 3 फंदे है इसको हमने ऐसे इस सिलाई में लेके बिना बुने इसमें उतार लेंगे, फिर धागा को इसे लेके 1 2 3 4 फंदे उल्टा बीन लिया, फिर वही 3 फंदे को राइट सिलाई में राइट नीडल्स में लेकर और भी 3 फंदे इस राइट नीडल्स में लेकर इसको बिना बुने इस नीडल्स में ले लेनी है, फिर 4 उल्टा, 1 2 3 4, यही रिपीट करना है पूरी सिलाई। रॉन्ग साइड 1 2 3 और 4। थर्ड रो, राइट साइड, फर्स्ट स्लिप कर लिया, एक फंदे बीन लिया और ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं इस दोनों फंदे को ट्विस्ट करनी है, ये देखिए इन फंदे दोनों तीनों को पीछे से इन दोनों फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेकर राइट में इसको लेके इस फंदे को इसके अंदर लेफ्ट में डाल के सीधा बीन लेना है, 1 2 3, और ये रिपीट करनी है, देखिए ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको इस राइट में लेके इन दोनों फांदे को ऐसे लेके देखिए ऐसे ये दो फांदे को आगे की तरफ लानी है। इनको भी हमें सीधा बीन लेना है, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन दोनों को छोड़ के पहला वाला छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे का डिज़ाइन है। देखिए फिर वही रिपीट करनी है, इन दोनों को पीछे से लेनी है। देखिए इसे इसको नीडल्स में डाल के सीधा भी लेना है। यही रिपीट करनी है। देखिए ये सी भी आप ले सकते हैं। तीनों को सीधा भी लेना है। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब फिफ्थ रो पहला वाला स्लिप कर लिया और 1 सीधा बिन लिया, एक फंदे सीधा बिन लिया। अब ये देखिए इससे ये जो फंदे हैं इसमें से 3 बार देखिए, एक बार 1 ये धागा ऊपर से लपट के, 2 और ये इस उसी फंदे में से एक लिया तो 3 फंदे हो गया। 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधा बिन लिया। ये देखिए इसमें से 1 ले लिया धागा और फंदे सिलाई के ऊपर से लेकर उसी फंदे में से और एक फंदे बिन लिया तो 3 फंदे हो गया। फिर वही रिपीट धागा ऊपर से लेके बिन लिया, 1, 2, 3, 4 फंदे सीधा, इसमें से 1 धागा ऊपर से लेके सिलाई के ऊपर से लेके 3, 1 धागा सिलाई के ऊपर से लेके फिर लूप ले लिया तो 3 फंदे बन गया। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे सीधा बिन लिया। अब सिक्स्थ रो बैक साइड पूरी रो उल्टा ही बिनना है, लेकिन जो फंदे हमने एक फंदे में से 3 फंदे किया है 1, 2, 3, 4, 5 उस 3 फंदे को बिना बुने ऐसे उठा लेनी है सिलाई में। फिर 4 उल्टा 4 इसको बिना बुने उठा लेनी है, 1, 2 उल्टा बुन दिया। अब 7th रो 1 स्लिप कर ली, एक उल्टा बिन लिया। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं अब इधर ट्विस्ट करना है, ये देखिए इस तरह
सीधा बीन लेना है, इसको भी सीधा बीन लेना है, तीन फंदे को एक साथ। फिर अब इसको देखिए राइट साइड ट्विस्ट करना है, इसको पीछे से भी ले सकता है, ऐसे भी ले सकता है। इसको देखिए ऐसे बीन लिया सीधा, ओके पट्टू सीधा बीन लिया। फिर इसको लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करनी है, देखिए पीछे से दो फंदे लेफ्ट नीडल में लेके सीधा बीन लेना है। यही पूरी सिलाई रिपीट करनी है। ये देखिए ऐसे भी आप ले सकते हो और पीछे से सिलाई लेके भी ले सकते हैं। ये देखिए सीधा बीन लेना है, तीनों को सीधा बीन लेना। 8 रो रॉन्ग साइड, वी रो उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट करनी है। 8 रो पूरा उल्टा उल्टा बीन के कंप्लीट कर लिया, हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। देखिए तो यही आप 1 to 8 रो तक रिपीट करेंगे तो इससे आपकी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए तो डिज़ाइन आपको पसंद आई होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।